हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक एलईडी टीवी आया है रिपेयर के लिए और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है पावर सप्लाई का। दोस्तों देखिए, ये इसका एसी मेन कोड है और जब इसमें सप्लाई लाइन दिया जा रहा है तो दोस्तों पावर इंडिकेटर यहाँ वाला दोस्तों ऑन नहीं हो रहा है, पावर इंडिकेटर चालू नहीं हो रहा है, तो दोस्तों टीवी भी हमारा चालू नहीं हो रहा है। यही दोस्तों इस टीवी में प्रॉब्लम है कि इसका पावर सप्लाई में खराबी आया है। तो इसी प्रॉब्लम को दोस्तों हम रिपेयर करेंगे। यह दोस्तों सूर्या कंपनी का टीवी है लेकिन दोस्तों इसमें चाइना किट लगा हुआ है। यह लोकल एलईडी टीवी है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक स्थिर से देखिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का मैसेज दोस्तों मिलता रहे, ठीक है। तो इसको हम कैसे खोलेंगे, सबसे पहले यही हमको समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एलईडी टीवी आगे से इसका जो स्क्रीन होता है बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा भी दोस्तों हरका लग जाएगा या चोट लग जाएगा इस पर तो दोस्तों स्क्रीन आपका टूटने का डर रहता है। इसलिए दोस्तों सावधानी पूर्वक टीवी को खोलना है और कैसे इसको बैठाना है वह सब दोस्तों आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, स्थिर से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको करना यह है कि टीवी का जो स्टैंड है यहाँ वाला, ये दोनों स्टैंड सबसे पहले इसका खोल देना है। देखिए ये जो स्क्रू लगा हुआ है, सबसे पहले दोस्तों हम यही स्क्रू को खोल देंगे। यहाँ से दोनों स्टैंड को जो टेबल पर रखने वाला है इसको दोस्तों खोल के सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम इसका स्टैंड खोल दिए हैं, आइए सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें हम सप्लाई देकर दिखाते हैं। देखिए ये है इसका एसी मेन कोड, हम दोस्तों यहाँ से इसमें सप्लाई देंगे। देखिए यहाँ से हम पावर बोर्ड से इसको सप्लाई देते हैं, देखिए, और स्विच को हम ऑन कर देते हैं। देखिए हम स्विच ऑन कर दिए तो यहाँ वाला दोस्तों पावर इंडिकेटर हमारा यहाँ वाला जलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों पावर इंडिकेटर हमारा नहीं जल रहा है, इसमें सप्लाई लाइन जा ही नहीं रहा है, या दोस्तों हो सकता है कि इसका पावर सप्लाई खराब हो या एसी मेन कोड खराब हो, ठीक है। तो इस टीवी को अब हम दोस्तों खोलेंगे। तो इसको दोस्तों अब हमको करना यह है कि इसको दोस्तों एकदम सीधा बैठाएंगे नीचे और दोस्तों धीरे धीरे इसको नीचे रखेंगे टेबल पे या बेड पे। दोस्तों अच्छे ढंग से रखिए ताकि यह नीचे से हरका ना लगे और फूट ना पाए, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको नीचे अच्छे ढंग से रख दिए हैं। इसमें 10 गो स्क्रू होगा, वह सबसे पहले खोलना है। देखिए कहाँ कहाँ स्क्रू है दिखाते हैं, ये कोना में एक, यहाँ गिनिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ है 6, 7, 8, फिर दोस्तों 8 के बाद यहाँ 9, 10, 11, 12, 13, 14 स्क्रू है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम इसका स्क्रू सारा खोल दिए हैं। इसको सबसे पहले दोस्तों ऐसे पकड़ के ऊपर से थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो ये दोस्तों ऊपर वाला कैबिनेट हमारा निकल रहा है। देखिए ये दोस्तों हमारा कैबिनेट है, ये नीचे में दोस्तों स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, ये स्क्रीन है दोस्तों। और एक ऐसा ही टीवी हम दोस्तों रिपेयर किए थे मेलबोर्न कंपनी का, वो भी दोस्तों चाइना ही टीवी था, लेकिन दोस्तों उसका जो स्क्रीन था इस कैबिनेट में दोस्तों कसा हुआ था और किट दोस्तों इसके पीछे था, सेम दोस्तों ये भी ये वैसे ही है, लेकिन स्क्रीन दोस्तों इसका कसा हुआ नहीं है, स्क्रीन नीचे है, ठीक है। और किट इसके जस्ट दोस्तों पीछे है और यही दोस्तों हमारा पावर सप्लाई है, देखिए इसी को रिपेयर करना है। तो इसको दोस्तों आराम से हमको खोलना है, तो ऐसे नहीं खोलेंगे इसको, देख लिए हैं हम कि कैसे यह खुलेगा, इसको जैसे है वैसे पहले बैठा देते हैं। और इसको करना है यह कि इसको हम उलट के रखेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है, आराम से रख देंगे ऐसे और ऊपर से दोस्तों इसको ऐसे हटा लेंगे। इसमें दोस्तों स्क्रीन का घाट बना हुआ है, देखिए ये घाट पे फंसा हुआ है, ठीक है, इसको देखिए घाट पे फंसा हुआ है, इसको आराम से दोस्तों हटाना है। और सबसे पहले दोस्तों हमको निकालना है ये इसका एलईडी लाइट का सप्लाई। दोस्तों स्क्रीन के अंदर एलईडी लाइट लगा हुआ रहता है, इसका दोस्तों सबसे पहले कनेक्शन को निकाल देते हैं पावर बोर्ड से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा ओपन होगा, ठीक है, ऐसे आराम से रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 गो स्क्रू है,
तो हम सबसे पहले स्क्रू को खोल देते हैं। हमको चेक करना है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई किट को बाहर निकालना है, ठीक है। आराम से दोस्तों धीरे धीरे खोलना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, अन्यथा दोस्तों स्क्रीन टूटने का डर रहता है, इधर उधर होगा तो स्क्रीन टूट जाएगा। इसका हम दोस्तों खोल देते हैं, स्क्रू यहाँ पर कसा हुआ है यह, और देख लेते हैं कि पावर में प्रॉब्लम है कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। सबसे पहले पावर को ही चेक करेंगे, ठीक है। इसका कनेक्शन कोड रहता है दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये इसका एसी मेन कोड लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम पावर सप्लाई में ही है, हमको दिख गया है, आपको दिखाते हैं। देखिए ये कैपेसिटर जो है दोस्तों फट गया है, देख रहे हैं आप। तो ये कैपेसिटर दोस्तों हमारा फटा हुआ है, तो थोड़ा सा दोस्तों इस पावर सप्लाई को हम अच्छे ढंग से चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें शॉर्ट कर गया है, उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे, ठीक है। यह रिपेयर होने लायक होगा तो दोस्तों हम रिपेयर कर देंगे, अन्यथा दोस्तों हम इसको नया लगा देंगे मार्केट से खरीद के, ठीक है। यह मार्केट में दोस्तों 130 रुपये से 150 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों मिलता है बिना गारंटी का, लेकिन दोस्तों यह सही रहता है, ठीक है। आप ला कर लगाइएगा तो काम आपका कर जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, अगर रिपेयर होने लायक यह होगा तो हम दोस्तों इसको रिपेयर कर देंगे, अगर नहीं होने लायक होगा तो हम दोस्तों इसमें नया लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों SMD अभी सामान मार्केट में अभी उपलब्ध सब सामान नहीं हो पा रहा है हम लोग के यहाँ, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा रिपेयर करने में हमको दिक्कत होता है, ठीक है। दोस्तों हम इसको मीटर से चेक किए हैं, देखिए यह जो लाल वाला आप देख रहे हैं भूरा टाइप के, यह जो लगा हुआ है यह फ्यूज है, यह दोस्तों लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, हमको AC कॉइल भी हम कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों AC लाइन दिया रहा है, इसमें इनपुट हो रहा है, तो यह फ्यूज के जरिए दोस्तों सप्लाई हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये एक सप्लाई फ्यूज से गया, दूसरा सप्लाई दोस्तों लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर दोस्तों पहुँचा हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पहुँच रहा है लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर के जरिए। फिर दोस्तों ये ब्रिज टाइप डायोड है यह SMD, इसके जरिए दोस्तों सप्लाई DC हो जाता है। तो यह AC फ्यूज दोस्तों हमारा सही है, और लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी दोस्तों मीटर से चेक किए हैं तो सही दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों डायोड चेक किए हैं तो डायोड भी दोस्तों हमारा सही दिखा रहा है। हमारा अभी फिल्टर कैपेसिटर दोस्तों फटा हुआ है, तो इस फिल्टर कैपेसिटर को हम नया लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का प्रक्रिया बताएंगे। तो दोस्तों देखिए फिल्टर कैपेसिटर में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यह जो आप माइनस का चित्र देख रहे हैं यह नेगेटिव है, और इस साइड दोस्तों पॉजिटिव है। यह नेगेटिव वाला सामने का जो पिन है दोस्तों यही नेगेटिव है, यह पिन नेगेटिव है, यह पिन पॉजिटिव है। किट में भी सिंबल बना हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर धारी आप देख रहे हैं एक मोटा, यह नेगेटिव का सिंबल है, और इधर दोस्तों पॉजिटिव है। यहाँ पर दोस्तों किसी किसी सर्किट में लिखा हुआ रहता है माइनस और प्लस, इसमें दोस्तों नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखकर लगाना है। इसको दोस्तों हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं लगाकर। हो सकता है दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर खराब होने से सप्लाई लो बन रहा हो, जिसके कारण दोस्तों TV हमारा चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले बदल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वह 22 mW 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। आप दोस्तों 22 के जगह 38 भी लगा सकते हैं, 47 भी लगा सकते हैं, 50 भी लगा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज दोस्तों 400 से लेकर 500 के बीच में होना चाहिए। तो हमारे पास जो कैपेसिटर है देखिए 47 mW यानी दोस्तों 47 mFd 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो हम दोस्तों यही कैपेसिटर इसमें लगाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर को हम बदल दिए हैं, देख रहे हैं आप, नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाए हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों AC सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमको 12 वोल्ट मिलना चाहिए, आउटपुट 12 वोल्ट मिलना चाहिए, यह आउटपुट 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इसका AC सप्लाई में लगा देते हैं, इसको उलट देते हैं, यहाँ पर देखिए मीटर को DC मोड में सेट कर देते हैं। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं, और अब हम दोस्तों इसमें AC सप्लाई देते हैं। AC सप्लाई हमने दे दिया है दोस्तों, सबसे पहले AC सप्लाई चेक करेंगे। तो देखिए मीटर को हम 750 के रेंज में सेट किए हैं, यहाँ पर हम AC सप्लाई चेक करेंगे।
तो देखिए हमारा एसी सप्लाई 212 वोल्ट पहुंच रहा है। अब दोस्तों हम डीसी सप्लाई चेक करेंगे कंडेंसर पे, जो हम कंडेंसर लगाए हैं कैपेसिटर, ठीक है। तो जो नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे। यहाँ दोस्तों 212 वोल्ट मिल रहा था, तो यहाँ 300 वोल्ट हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमको 304 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हमको डीसी चेक करते हैं 12 वोल्ट। तो मीटर को डीसी 20 के रेंज में सेट किए हैं, क्योंकि दोस्तों हमको 12 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव है यह पिन, देखते रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई आएगा। तो देखिए दोस्तों 12.35 वोल्ट सप्लाई हमारा आ रहा है, ओके हो गया है। लगता है कि यह सर्किट जो है दोस्तों पावर सप्लाई किट ओके हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों यह मदरबोर्ड में जहां पर यह सप्लाई दी जाता है वहां पर दोस्तों लगाते हैं। तो सबसे पहले पावर सबको बंद करना है, एसी मेन कोर्ट से बाहर निकाल देते हैं इसको। दोस्तों जैसे किट में लगा हुआ था वैसे दोस्तों इसको फिट करेंगे। और वैसे ही दोस्तों एक बार चेक कर लेंगे। ये दोस्तों हम लगा दिए हैं, अभी इन एलईडी लाइट का कनेक्शन नहीं देंगे, अभी केवल देखेंगे कि हमारा पावर एलईडी जल रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पावर एलईडी जलेगा, जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो पावर एलईडी जलेगा। तो देखिए दोस्तों हमारा पावर एलईडी जल चुका है, यानी दोस्तों जब हम इसको अच्छे ढंग से सेट कर देंगे, इसका एलईडी लाइट का कनेक्शन दे देंगे, तो दोस्तों हमारा टीवी चालू हो जाएगा। चलिए पावर को बंद कर देते हैं। और दोस्तों ये सारे सर्किट को जैसे किट में सेट किया हुआ था वैसे दोस्तों सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको हम स्टार्ट करके टीवी दिखाते हैं कि टीवी हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों देखिए हम इसको किट में जैसे कसा हुआ था वैसे कस दिए हैं। एक चीज़ हम बता देते हैं दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो देखिए ये जो तार है, जो इसके अंदर स्क्रीन के अंदर एलईडी लाइट लगा हुआ रहता है, इसमें दोस्तों कोड लगा हुआ रहता है इसको अंदर करने के लिए, अंदर डालने के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों यह कोड ऐसा बना हुआ होता है कि अगर इसको उल्टा लगाइएगा तो दोस्तों यह कोड नहीं लग पाएगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें दोस्तों, यह उलट के लगाइएगा तो दोस्तों आराम से लग जाएगा। तो हम लगा दिए हैं किट को दोस्तों अच्छे ढंग से, जैसे कसा हुआ था वैसे कस दिए हैं इसको। दोस्तों अब एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि स्क्रीन पे अब लाइट आता है कि नहीं। लाइट आता है, सब कुछ दोस्तों हम ओके है। चलिए सप्लाई देते हैं। सप्लाई हम दोस्तों दे दिए हैं, देखिए पावर इंडिकेटर हमारा जल रहा है। यहाँ से दोस्तों इसको ऑन करेंगे बटन से, देखते हैं बटन काम करता है कि नहीं। यहाँ पर यह बटन लगा हुआ है, नहीं होगा तो दोस्तों चिमटा से शॉर्ट करेंगे तो दोस्तों यह चालू हो जाएगा। ऑन हो गया है दोस्तों, देखिए टीवी। और यहाँ पर दोस्तों यह हरा लाइट जल गया है ऑन होने पर, और यह दोस्तों पूरी तरह टीवी ओके हो गया है, ठीक है। देख लीजिए स्क्रीन पर लाइट इसका आ गया है। इसमें ए वी कोड लगाएंगे तो पिक्चर वगैरह सारा दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह टीवी पूरी तरह सही हो गया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल करें, ठीक है। दोस्तों इसका फिल्टर कैपेसिटर खराब था हमारा, फिल्टर कैपेसिटर खराब हो जाने से दोस्तों जो 300 वोल्ट हम आपको दिखाए थे वह वोल्टेज नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण दोस्तों आउटपुट में सप्लाई हमारा नहीं बन पा रहा था, इसलिए दोस्तों यह टीवी चालू नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।